गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम एंड टुडे वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 24। इसमें हम एक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हादजा। हादजा जो ग्रुप था वो प्रेजेंट डे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है। आज के टाइम में, मतलब इस टाइम में, वो अभी भी मौजूद है और वो शिकार पे या संग्रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से आज के टाइम में भी पुराने टाइप के लोगों के की तरह से रहते हैं। द हादजा आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। हादजा जो थे वो छोटा एक ग्रुप है हंटर गैदरर का, शिकारी और संग्राहक जो समाज होता है उसका एक छोटा सा ग्रुप है ये। लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ लेक इयासी, अ सोल्ट रिफ्ट वैली लेक। विसिनिटी होता है आसपास का एरिया, जो इयासी झील है उसके आसपास के एरिया में रहता है। और यह जो इयासी झील है वो एक नमकीन पानी की रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली होती है जो अपभ्रंश घाटी होती है। द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न हादजा, पूर्वी हादजा की जो इलाका है, ड्राई रॉकी स्वाना, वो सूखा है, चट्टानी है, स्वाना मीन्स घास वाला, डोमिनेटेड बाय थॉर्न स्क्रब एंड अकेशिया ट्रीज, जिसके अंदर एक तो कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं और दूसरा अकेशिया के पेड़। इज रिच इन वाइल्ड फूड्स, इसमें जंगली भोजन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एनिमल्स आर एक्सेप्शनली न्यूमरस, और जो जानवर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में असंख्य है। एंड वर सर्टेनली कॉमनर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी, और शताब्दी की शुरुआत में वो सामान्य रूप से वहां पाए जाते थे। एलिफेंट, राइनोसोरस, बफेलो, जिराफ, जीवरा, वॉटरबक, गेजल, वॉर्थोग, बेबून, लाइन, लेपर्ड एंड हाइना आर ऑल कॉमन। एस आर स्मॉलर एनिमल्स सच एस पोर्क्यूपाइन, हेयर, जेकॉल, टोर्टोइज एंड मैनी अदर्स। हाथी, गेंडा, बफेलो, भैंस, जिराफ, जीब्रा, वॉटरबक और गैजल मीन्स हिरन, वॉर्थोग जंगली सुअर, बैबून एक बंदर होता है, लायन, शेर, लेपर्ड, तेंदुआ और हाइना होता है लकड़ बग्गा। ये सब यहाँ पे कॉमन है। और इनके साथ साथ स्मॉलर एनिमल, छोटे एनिमल्स हैं, जैसे कि पोर्क्यूपाइन, शाही मछली होती है एक, हेयर खरगोश, जेकॉल गिदड़ और टोर्टोइस कछुआ एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे दूसरे, ये सब यहाँ इस एरिया में जहाँ पे हादजा लोग रहते हैं यहाँ पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द एलिफेंट आर हंटेड एंड ईटन बाय द हादजा। ये सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं, हाथी को छोड़कर, ये हादजा लोगों के द्वारा इनका सबका शिकार किया जाता है और इनको खाया जाता है। द अमाउंट ऑफ मीट दैट कुड बी रेगुलरली ईटन विदाउट एंडेंजरिंग द फ्यूचर ऑफ द गेम इज प्रोबेबली ग्रेटर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। जो मीट खाने की मात्रा है, यानी कि जिस मात्रा में मीट खाया जाता है, वो यहाँ पे इतना ज्यादा खाया जाता है रेगुलरली, नियमित रूप से, जिसमें फ्यूचर में आने वाले टाइम में शिकार का जो काम है वो भी खतरे में ना पड़े, और कहीं दुनिया में कहीं से भी ज्यादा वो यहाँ पे खाया जाता है। ग्रेटर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स लिव, जहाँ शिकारी और संग्राहक जो समाज है वो रहते हैं, एंड हैव लिव्ड इन द रिसेंट पास्ट, और बीते हुए पास्ट में जो अभी तक रहते आए हैं, उन सब जगहों पर जितना मीट खाया जाता है उससे ज्यादा हादजा समूह है जो वहां पे मीट खाया जाता है। वेजिटेबल फूड, रूट्स, बेरीज, द फ्रूट ऑफ बाओबाब ट्री एटसेट्रा, दो नॉट इवन ऑफन ऑब्वियस टू द कैजुअल ऑब्जर्वर, इज ऑलवेज अबंडेंट इवन एट द हाइट ऑफ द ड्राई सीजन इन अ ईयर ऑफ ड्रॉट। जो वनस्पति भोजन है, वनस्पतियों से जो मिलता है, जैसे कि रूट्स, कंदमूल जिसको कहते हैं, जिसकी जड़ें भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, बेरीज, बेर, एक बाओबाब ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके फल, ये सब जो चीजें हैं जिसको एक जो सामान्य दर्शक होता है, कैजुअल ऑब्जर्वर, वो नहीं देख सकता, ये हमेशा ही अबंडेंट मीन्स प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एट द हाइट ऑफ द ड्राई सीजन। जब बहुत ज्यादा सूखा मौसम हो तब भी
इन अ ईयर ऑफ ड्रोट, सूखे वाले साल में जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, तो उस सीजन में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द टाइप ऑफ वेजिटेबल फूड अवेलेबल इज डिफरेंट इन द 6 month वेट सीजन फ्रॉम द ड्राई सीजन, बट देयर इज नो पीरियड ऑफ शॉर्टेज। जो इसका वनस्पति भोजन का प्रकार है वो डिफरेंट रूप में अवेलेबल होता है, जैसे कि जो बारिश वाले 6 महीने हैं उसमें अलग तरह का भोजन मिलता है वनस्पति फूड जो है, और जो सूखे 6 महीने हैं ड्राई सीजन के उनमें अलग तरह का। बट देयर इज नो पीरियड ऑफ शॉर्टेज, पर भोजन की कमी कभी नहीं होती। द हनी एंड ग्रब्स ऑफ 7 species ऑफ वाइल्ड बी आर ईटन, और जो जंगली मधुमक्खियां होती हैं, जंगली मधुमक्खियों की 7 प्रजातियां, उनका शहद और उनके ग्रब्स होते हैं जब वो स्मॉल होती हैं, जब वो मक्खी बनने से पहले जो उनके कीड़े रूप में जब वो होती हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से खाए जाते हैं। सप्लाईज ऑफ दीज वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल और एक सीजन से दूसरे सीजन में इनकी आपूर्ति भी अलग अलग होती है, कभी ये ज्यादा मात्रा में मिलती है कभी कम। सोर्सेज ऑफ वाटर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री इन द वेट सीजन, बरसात के मौसम में इस देश में, जो पूर्वी हाजा लोगों का देश है, इस देश में जो पानी के संसाधन है या सोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि फैले रहते हैं, बट आर वेरी फ्यू इन द ड्राई सीजन, पर ये सूखे मौसम में बहुत कम होते हैं। द हाजा कंसिडर दैट अबाउट 5 to 6 kilometers इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच वॉटर कैन रीजनेबली बी कैरिड, हाजा लोग ये मानते हैं कि 5-6 kilometers का जो ज्यादा से ज्यादा दूरी है वहां से पानी को आसानी से कैरी किया जा सकता है, लाया जा सकता है। एंड कैंप्स आर नॉर्मली साइटेड, और वहां पे वो अपने कैंप लगा लेते हैं विद इन अ किलोमीटर ऑफ अ वॉटर कोर्स, पानी का जो रास्ता है, जहां पानी का स्रोत है, साधन है, उसके 1 kilometers के दायरे में वो अपने कैंप लगा लेते हैं। पार्ट ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ ओपन ग्रास प्लेन्स बट द हाजा नेवर बिल्ट कैंप देयर, पार्ट ऑफ द कंट्री वो हिस्सा देश का जहाँ पे खुले घास के मैदान है, पर हाजा वहां कभी भी कैंप नहीं लगाते। कैंप्स आर इनवेरिएबली साइटेड अमंग ट्रीज और रॉक्स एंड बाय प्रेफरेंस अमंग बोथ, जो कैंप लगाए जाते हैं वो पेड़ों के बीच में या चट्टानों के बीच में होते हैं, या फिर इन दोनों ऐसी जगह पे जहाँ चट्टान और पेड़ दोनों पाए जाते हैं। द ईस्टर्न हाजा एसर्ट नो राइट ओवर लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, पूर्वी जो हाजा लोग हैं वो जमीन पर और उसके संसाधनों पर अपना मालिकाना हक नहीं जताते। एनी इंडिविजुअल मे लिव वेयर एवर ही लाइक्स, कोई भी व्यक्ति जहां चाहे वहां रह सकता है, एंड मे हंट एनिमल्स, कलेक्ट रूट्स, बेरीज एंड हनी, और वो एनिमल्स का शिकार कर सकता है, रूट इकट्ठी कर सकता है, बेर शहद ये सब चीजें इकट्ठी कर सकता है, एंड ड्रॉ वॉटर एनीवेयर इन हाजा कंट्री, और जो हाजा देश है उसमें से कहीं से भी वो पानी यूज कर सकता है विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी पाबंदी के। इन स्पाइट ऑफ द एक्सेप्शनल नंबर्स ऑफ गेम एनिमल इन देयर एरिया, गेम एनिमल मीन शिकार वाले जानवर, उनके एरिया में जो शिकार वाले जानवर है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद द हाजा रिलाई मेनली ऑन वाइल्ड वेजिटेबल मैटर फॉर देयर फूड, जो हाजा लोग हैं रिलाय होते हैं भरोसा करना, वो जंगली जो वनस्पति है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं अपने भोजन के लिए। प्रोबेबली एज मच एज 80% ऑफ देयर फूड बाय वेट इज वेजिटेबल, उनके भोजन का जो 80% है वो सब्जियों से आता है, वनस्पतियों से, वाइल मीट एंड हनी टूगेदर अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 20%, और जो बाकी 20% उनका भोजन है वो मीट या हनी से, मांस और शहद से। कैंप्स आर कॉमनली स्मॉल एंड वाइडली डिस्पर्स्ड इन द वेट सीजन, जो बरसात वाला मौसम है उसमें उनके कैंप छोटे होते हैं पर बहुत बिखरे होते हैं, एंड लार्ज एंड कॉन्सेंट्रेटेड नियर द फ्यू अवेलेबल सोर्सेज ऑफ वॉटर इन द ड्राई सीजन, जबकि सूखे मौसम में उनके कैंप लार्ज यानी कि बड़े होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स बहुत ज्यादा घने होते हैं, और वो बिल्कुल जो सोर्सेज वहां मौजूद हैं पानी के उनके पास होते हैं। देर इज नेवर एनी शॉर्टेज ऑफ फूड इवन द टाइम ऑफ ड्रोट, और सूखे के मौसम में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी किसी भी प्रकार की नहीं होती।